সকলকে আমার চ্যানেলে স্বাগতম জানাইছো। আমি যিসকলে ধূপকাঠি ক্লিনিং প্রোডাক্টরে জড়িত তেওঁলোকে প্রত্যেকটো সময়তে ধূপকাঠিৰ পারফিউমৰ ওপৰত বিভিন্ন প্রশ্ন করে, যাতে পারফিউম কোয়ালিটি ভাল হব লাগে, তার কারণে কেনেকৈ ইম্প্রুভমেন্ট করা যায়, কোয়ালিটি কেনেকৈ মেইনটেইন করা যায়, তো ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্ন থাকে। আর আমি আজি সেই গোটেইবোৰ কথা জানিব কারণে আমি কলিকতাত উপস্থিত আছো। বর্তমান আমি আমার দীপাঙ্কর দাক আমি উপস্থিত আছো। এই তেখেতৰ আপনাদের চ্যানেলটাও আছে, আপনাদের চাব পাৰে। সেই চ্যানেলটা বিভিন্ন কন্টেন্ট প্রস্তুত করে। আজি আমি আপনাদের রাইট ইনফরমেশন দিব কারণে, যাতে আপনাদের কাম করতে সুবিধা হয় বা আপনাদের এডভান্স জানিব পাৰে, তার কারণে আমি আজি এই ব্লগটো রেডি করেছো, যাতে আপনাদের রাইট ইনফরমেশন পাব পাৰে। গতি আমার আজি উপস্থিত আছে দীপাঙ্কর দা। দীপাঙ্কর নমস্তে দোস্ত। सबसे पहले तो मैं देवरी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज मेरे पास आए हैं, और मुझे ये इसमें बहुत ही खुशी है कि आज मैं इनके चैनल के जरिए पूरे असम के साथ मैं आज मुलाकात करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये जो अगरबत्ती का जो परफ्यूम है, ठीक है, ये परफ्यूम यूज करने से पहले, अगरबत्ती को परफ्यूम पे डिपिंग करने से पहले, आप लोग सबसे इस चीज पे ध्यान दीजिए कि उस परफ्यूम का डिजाइन क्या है। परफ्यूम कई तरह के होते हैं, लेकिन अगरबत्ती का जो परफ्यूम है उसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वो परफ्यूम जलने के बाद, आफ्टर बर्निंग, वो खुशबू देगा। आफ्टर बर्निंग वो परफ्यूम का जो फैलाव है वो चारों तरफ फैलेगा। इसी तरीके से उस परफ्यूम को डेवलप करना है, तो ही वो अगरबत्ती के लिए सही परफ्यूम रहेगा। वरना बहुत लोगों का कंप्लेन ये रहता है कि परफ्यूम तो बहुत अच्छा लाया, नामी दामी परफ्यूम लाया, फिर भी उसका खुशबू में फैलाव नहीं आ रहा है। उसका मेन कारण है उसका डिजाइन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि अगर हम लोग परफ्यूम पे रेजिनॉइड का अप्लाई कर सकते हैं, रेजिनॉइड एक ऐसा चीज है जो जलने के बाद अच्छा खुशबू प्रदान करता है, रेजिनॉइड का धर्म ऐसा है, उसको अगर हम अप्लाई कर सकते हैं परफ्यूम के नेचर के ऊपर डिपेंड करके, सही रेजिनॉइड चॉइस करके उसमें अगर हम मिला सकते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फैलाव आएगा। इसी तरीके से हमको ऐसे कुछ चीजें परफ्यूम पे डालना है, ऐसे कुछ चीज देके परफ्यूम को बनाना है ताकि वो जलने के बाद खुशबू दे। ऐसे ध्यान पे रखते हुए हमने भी बहुत सारे परफ्यूम्स बनाए हैं, वो परफ्यूम आपको धीरे धीरे हम लोगों से मिल जाएगा। हम कोशिश किए हैं कि उसका क्वालिटी बेस्ट रखने के लिए, और उसको हमने ऐसे डिजाइन किया है कि वो जलने के बाद खुशबू दे। आप लोग देवरी जी से वो परफ्यूम ले सकते हैं, परफ्यूम के लिए उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे उनका फोन नंबर भी है, आप वहां पे फोन करके सर से बात करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और ये परफ्यूम आप लोग ले सकते हैं। अभी परफ्यूमिंग करोटे बा धूपकाठी करोटे, अभी धूपकाठी टॉप नोट, मिडिल नोट, इधर विषय लगते परफ्यूमिंग कॉस्टिंग ऊपर हमारे जथेष्ट प्रश्न थके, गति के जानव विचार आपसे हम उस सब्जेक्ट में जानना चाहेंगे कि इसका कॉस्टिंग और जो मिडिल नोट, टॉप नोट, उनके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, ये जो अगरबत्ती का जो परफ्यूम का जो कॉस्टिंग है वो तो हम कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो भी करें हम लोग, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है, ठीक है। अभी ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम परफ्यूम का एक डायग्राम बनाते हैं, उसका एक तस्वीर बनाते हैं, तो परफ्यूम दिखने में ऐसे ट्रायंगल की तरह रहता है। सबसे नीचे बेस नोट रहता है, उसके ऊपर मिडिल नोट रहता है, और सबसे ऊपर रहता है टॉप नोट। अब ये बेस नोट क्या करता है, परफ्यूम का मेन खुशबू को क्रिएट करता है, मिडिल नोट उसमें मिठास लाता है, और उसका जो टॉप नोट है वो हार्ट टचिंग करता है, उसमें अच्छा फैलाव, उसमें आह बहुत अच्छा ये फीलिंग्स लाता है। तो इसको ध्यान पे रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, परफ्यूम के नेचर के ऊपर डिपेंड करके हम उसका टॉप नोट, मिडिल नोट ये डिसाइड करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि रोज का परफ्यूम, रोज का परफ्यूम को बूस्टिंग कराना बहुत टफ होता है। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि ये जो रोज का परफ्यूम है,
उसका जो बेस नोट है, बेस नोट को हम बर्बन कंपनी का जेरेनियम ऑयल रख सकते हैं, ठीक है, उसके साथ रोज ऑक्साइड मिला के उसको पावर दे सकते हैं। अब उसमें से उसके अंदर में हम थोड़ा सा पॉलीसेंटोल फिर सेंटोल देके उसमें थोड़ा सैंडली टच लाके उसको मिठास दे सकते हैं, और हल्का सा एल्डिहाइड सी 9-10 ऐड करके टॉप नोट क्रिएट करके सबसे लास्ट में टॉप नोट में हम बर्गामॉट ऑयल डाल सकते हैं रोज के परफ्यूम पे। और भी लगते हैं केमिकल्स, लेकिन मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे करके हम उसको सजा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन के वक्त हमको ये देखना पड़ेगा कौन सा केमिकल का दाम कितना है, उसका परिमाण आगे पीछे करके कम ज्यादा करके हम उसको कंट्रोल करके कॉस्टिंग के अंदर में भी ला सकते हैं। लेकिन वो पूरा चीज मैं जहां पे नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, ये किया जा सकता है। लेकिन टू द सम अप मैं ये बताऊंगा, कोई भी परफ्यूम को 1:4 से ऊपर मत तोड़िए अगर प्रीमियम क्वालिटी का बनाना हो तो, जैसे कि ब्रांडेड कंपनियां बनाती हैं, ठीक है। तो भैया अगर कोई इनिशियली हाँ कोई नया से इसको स्टार्ट करे बिजनेस को, हाँ कंप्लीट अगरबत्ती बिजनेस को, हाँ परफ्यूम करके अपना ब्रांड हाँ, लेके मार्केटिंग करेगा, हाँ तो एज ए एक्सपीरियंस है सब्जेक्ट में, हाँ और असम में अभी सब कुछ नया से हो रहा है क्योंकि अभी नया से रास्ता बन रहा है, नया से लोग बिजनेस में आ रहा है, हाँ और बहुत सारा लेडीज लोग आ रहा है, हाँ सर्कल ग्रुप, और गवर्नमेंट भी इनिशिएट ले रहा है, तो उनके लिए कोई एडवाइस वगैरह उनके कि आगे बहुत जल्दी जाए, ठीक से जाए बिजनेस को लेके जाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक बात बताऊंगा सभी को कि जो लोग स्मॉल स्केल इन्वेस्टर्स हैं वो लोग कभी भी रॉ अगरबत्ती के बिजनेस में मत आइए। बिजनेस वालों के लिए इसको ट्राई करिए, मेहनत करिए, ये आपको रिजल्ट देगा, 100% देगा। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি এই বিষয়ত আগরবাতি ইন্ডাস্ট্রি বিষয়ত যদি প্রশ্ন থাকে আপনি প্রশ্ন করে পারিব, আর আপনাদের যদি অধিক জানিব থাকে আপনাদের দাদার একটা চ্যানেল ডিসক্রিপশন আমি দি দিম, এই চ্যানেলটো আপনি চাও পারে, তাতে বহুত ভাল ভাল বিষয়বিলাক আলোচনা করা যায়, কেনেকে আপনি সেন্টিং করব, সেন্টত কেনেকে গুরুত্বপূর্ণ কেয়ারফুল হব ইত্যাদি বহুত ইনফরমেশন আপনি পাব, যাতে আপনি সেইখিনি জানিলে আপনার ব্যবসায়টোর প্রতি ইন্টারেস্টও বাড়িব আর প্রয়োজন, আর এই ব্যবসায়টোত আপনি যদি মন করেছে আগবাড়ির কারণে তো নিশ্চয় আপনি গোটেই ইনফরমেশন কালেকশন করব আর রাইট পার্সনের পর রাইট ইনফরমেশন লোক কোয়াড আপনার দরকার, গতি নিশ্চয় দাদার চ্যানেল আপনি সাবস্ক্রাইব করব, আমি চ্যানেল ডিসক্রিপশন তলত দি দিছো আর একদম ইনফরমেশন ভালকে ল পারিব। আজি এটা সামৰিছো, আমি নিশ্চয় নেক্সট ভিডিওত আমি ইয়ার বিষয়ে আর ভালকে আমি আলোচনা করব। ধন্যবাদ।